Hello guys, welcome to the ninth lecture. Okay, this is a revision lecture number 9, and today we are going to revise final accounts of a proprietary concern. तो ठीक है, तो पहले हम लोग सोचते हैं कि proprietary concern होता क्या है. अभी अलग अलग टाइप के concerns होते हैं, जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो वैसे एक होता है proprietary concern. proprietary concern में होता क्या है कि एक इंडिविजुअल जो बिजनेस रन करता है ना, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, और जो बिजनेस होता है ना उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न. अभी जैसे अपन जैसे देखते हैं, अभी छोटे मोटे ग्रोसरी वाले, अब आपके डैड का बहुत का बिजनेस होगा, तो जो इंडिविजुअल चला रहा है, मतलब उसमें कोई पार्टनर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो दैट इज प्रोप्राइटरी कंसर्न. ओके, तो अभी इनके अकाउंट्स कैसे होते हैं वो देखेंगे अपन. ओके, तो ये क्या बोलता है, पहले अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज साइंटिफिक अप्रोच इन मेंटेनिंग एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम, मतलब अकाउंटिंग के बारे में उसने भाषण दिया है कि अकाउंटिंग कैसा होता है, साइंटिफिक अप्रोच है, रिकॉर्ड्स करता है सब कुछ, अपने आगे के डिसीजंस पे काम आता है. ओके, बोलता है जैसे कोई ट्रांजेक्शन प्लेस करता है, मतलब ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, वैसे अपना अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स अपन बना देते, जर्नल, जर्नल से बनाते हैं अपन, जर्नल की एंट्रीज क्या बनाते हैं, लेजर में डालते हैं. करेक्ट, लेजर से अपन बैलेंसिंग करते हैं हर एक लेजर को. वो लेजर किधर जाता है, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. ठीक है, उसके बाद में किधर जाता है सब कुछ, बराबर पीएनएल में जाता है कुछ चीजें, और कुछ चीजें बैलेंस शीट में चली जाती है. ओके, तो अभी अपने को वही पढ़ना है कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है. फाइनल अकाउंट्स जर्नल फाइनल अकाउंट्स नहीं है, लेजर फाइनल अकाउंट्स नहीं है, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स नहीं है. ये तुम्हारा एक प्राइमरी और सब्सिडियरी बुक हो गया, और सेकेंडरी बुक है जिससे अभी अपन बनाएंगे तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में तीन ही चीज आती है, एक्चुअली में पांच आती है, लेकिन तुम्हारा सिलेबस में सिर्फ तीन है. ओके, आगे पढ़ेंगे. तो ये क्या बोलता है, फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा चीज है जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है और स्पेसिफिक डे पे बनता है. स्पेसिफिक पीरियड मतलब एक साल के लिए बनता है, एक वन ईयर के लिए बनता है, और स्पेसिफिक डेट मतलब 31 दिन को बनता है, 31 मार्च को, लास्ट डे ऑफ द ईयर. अकाउंटिंग ईयर कब से होता है वो तो पता है ना, 8th ईयर से लेके 31 मार्च 2000 तक होता है, मतलब 2000 जो भी है तुम्हारा. ओके, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है. ओके, 12 महीना. ओके, फिर ये क्या बोलता है कि अपन सबसे पहले ट्रेडिंग, अपन फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट आता है. ठीक है, अभी ये जो मैंने कट किया वो मत पढ़ो, अपन आगे जाके पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है वो. यहाँ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो, कंफ्यूजिंग है नहीं, बट हो जाओगे तुम लोग कंफ्यूज, तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे. ये बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, ग्रॉस लॉस निकालने का, नेट प्रॉफिट निकालने का, नेट लॉस निकालने का. फाइनेंशियल पोजीशन दिखती है अपने को क्या है, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, मतलब क्या क्या है. देखो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस लॉस निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट लॉस निकालना है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है उसके ऊपर कंट्रोल करना है. तो बोलते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फाइनल अकाउंट्स के. तो बोलते हैं मैनेजमेंट और बिजनेस के डिसीजन को हेल्प करता है, ट्रू पिक्चर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है बिजनेस का, वो बताता है. एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए काम में आता है, ट्रांसपेरेंसी पता चलती है बिजनेस में, सबको पता चलता है. अभी मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरे को भी पता चलेगा मेरे बिजनेस पे क्या चल रहा है, मतलब मेरे एम्प्लॉयर के बिजनेस पे क्या चल रहा है. मेरे को दिखेगा भाई ये लॉस ही खा रहा है, तो फिर मैं यू टर्न मार के निकल जाऊंगा कंपनी से. क्यों, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को पगार वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है. ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मतलब टैक्स वैक्स का बैकअप वगैरह तुमको मिलता है, मतलब टैक्स प्लानिंग वगैरह का मौका देता है. इसके बाद कितना टैक्स भरना है, कितना टैक्स गवर्नमेंट से लेना है, बहुत सी बार आईटीसी मतलब जीएसटी में जो आईटीसी होता है गवर्नमेंट से लेना होता है. अभी हर चीज आप नोट करके रखोगे तो वो फायदेमंद नहीं होगी, राइट. हर चीज आप नोट करके रखते हो तो फायदेमंद नहीं होती, तो इसके लिए बोलता है कि भाई सब चीजों का रिकॉर्ड होता है उसके पास. फिर बोलता है फाइनल अकाउंट को कैसे बनाते हैं. तो बोलते हैं सबसे पहले पहली प्राइमरी बुक पे कौन से आते हैं, अपने लेजर और जर्नल सब्सिडरी बुक. ओके, जर्नल और सब्सिडरी बुक. सब्सिडरी में बुक में क्या क्या आता है, अपना सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न
ए सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बैंक बुक, उसके बाद में जर्नल प्रॉपर, ये 6 बुक आती है राइट। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये तक आती है। तो बोलता है ये तो ठीक है, वो बुक बनाओ, तो प्राइमरी बुक बनाओ, उसके अंदर से पोस्ट करो तुम लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद, लेजर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद उनका बैलेंसिंग करो। बैलेंस करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस में लाओ सब चीजें। ट्रायल बैलेंस में लाने के बाद क्या करो, ट्रायल बैलेंस से तुम लोग फिर फाइनल अकाउंट बनाओ जिसका नाम है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग बनता है, पीएनएल बनता है और बैलेंस शीट बन जाता है। ठीक है, ये मैं वापस एक बार रिपीट कर दूँ, ये सिर्फ एग्जाम रिलेटेड रिविजन लेक्चर है। प्लीज अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो ही इससे पढ़े, वरना आप पहले मेरे रेगुलर लेक्चर देख लीजिए। ओके, तो फिर बोलता है बिजनेस ट्रांजेक्शन देखो, ये वही वही फ्लो बताया बार बार, क्या क्या वही वही करना है। ठीक है, अभी फाइनल अकाउंट पे क्या क्या आता है जो अपन ने पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट तो एक आता ही आता है, फिर आता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी बैलेंस शीट, फिर एक बीच में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो तुम्हारे तुम्हारा जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ ये एप्लीकेबल, ये वाला एप्लीकेबल ये है और ये है, ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है तो खुशियाँ मनाओ। ठीक है, फिर बोलते हैं सबसे पहले अपन ट्रेडिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटीज में क्या रिकॉर्ड करते हैं अपन, रिकॉर्ड क्या करते हैं, ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज को अपन उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज के, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग मतलब होता है कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या होता है, पहले लेक्चर याद कीजिए, नहीं याद है चलो जानते मैं बता देता हूँ। कॉमर्स मतलब होता है ट्रेड, लेन देन, जिसको अपन बोलते हैं परचेस सेल। ठीक है, फिर बोलते थे एक्सपेंस एंड लॉसेस, ओके ये हो गया। फिर क्या क्या आता है, बोलते डेबिट साइड में तुम तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दो, परचेसेस लिख दो, डायरेक्ट वेजेस लिख दो और डायरेक्ट बाकी सब डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो। ओके, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर दो तो नेट परचेस ही बाहर जाएगा। क्रेडिट साइड में आता है तुम्हारा सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट इनकम जो कमाई है, जो तुम्हारे ट्रेडिंग से कमाई है वो उधर चले जाता है। ठीक है, ओके, फिर दोनों का क्लोजिंग करो। अगर डेबिट साइड हैवी है मतलब तुम्हारे खर्चे हैवी है, परचेस वगैरह साइड वाला हैवी है तो नेट ग्रॉस लॉस आता है, और अगर ये साइड हैवी है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है राइट। ओके, फिर बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है मतलब उसके सारे जितने भी आइटम्स है ना नॉमिनल के हिसाब से ही अपन रिकॉर्ड करके। लेकिन अपन ने एक पहले सुना था कि परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स को गुड्स मानो तो इजी पड़ता, तो अपन गुड्स ही मानेंगे, भले वो नॉमिनल है। गुड्स मानोगे तो तुम लोग बेहतर सिचुएशन में रहोगे। ओके, तुम्हारा कोई कभी गलती नहीं होगी। फिर ये एक एक चीज बताता है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जो होता है जो अपने पास एक्यूमुलेटेड गुड्स होते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो पिछले साल के एंड में एक्यूमुलेटेड गुड्स है जो बेचे नहीं गए हैं, जो गोडाउन में पड़े हैं, और क्लोजिंग स्टॉक होता है ये साल का। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्लोजिंग का तुम वैल्यू कर रहे हो वो कैसे वैल्यू करना है, वैल्यू तुमको ऐसा करना है जैसे समझ लो तुम्हारा एक कॉस्ट है, तुमने घर पे कोई गुड्स बना रहे हो 100 रुपये का है, ठीक है, और तुम लोग बेचते हो 100 रुपये में, ये 200 रुपये में, तो विच एवर इज लोअर उसको बोलते हैं कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट और मार्केट, विच एवर इज लोअर कॉस्ट और मार्केट, विच एवर इज लोअर कॉस्ट। मतलब जो तुमने बना के तुमने वो प्राइस डिसाइड किया, किसी के पास से लिया है, समझ लो वो 100 रुपये का गुड्स में बनाता नहीं हूँ लेकिन मैं किसी के पास से लेता हूँ तो 100 रुपये में लेता हूँ, लेकिन उसको 200 में बेचता हूँ तो ये मार्केट वैल्यू होगी 200 की, वो मार्केट वैल्यू होगी गुड की। ओके, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल मतलब ट्रेडिंग, और ये क्या बोलते हैं उसके, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर आता है परचेसेस। परचेसेस क्या होता है, परचेसेस मतलब परचेसेस जो आप गुड्स के परचेस कर रहे हो उसके अंदर ये नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, एसेट्स के परचेस नहीं आएगा, परचेस के भी नेट परचेस पे रिकॉर्ड होता है, मतलब परचेस माइनस नेट परचेस ऐसा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सेल्स का भी सेम है, सेल्स क्रेडिट साइड में आता है लेकिन सेल्स में भी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देगा और नेट सेल्स रिकॉर्ड कर दे। ठीक है, फिर बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब तुम्हारे जो भी ट्रेडिंग के रिलेटेड है और मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है वो इधर आ जाएगी, जैसे वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री की लाइटिंग, ये वो, गैस, फ्यूल, वाटर, डॉक, ड्यूज। अभी क्या है ना कि ये तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा इसके, ताकि तो ही तुम लोग सीख पाओगे, वरना ये नहीं होगा, फिर मजा नहीं आएगा। तुम
उनको पता नहीं चलेगा, तुम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ करके आ जाओगी। ये उसका प्रोफॉर्मा एक बार देख के जाना एग्जाम के पहले। इलस्ट्रेशन अपन ने सॉल्व किए थे रेगुलर बैच में। ओके सो अभी नेक्स्ट जो है उसके अंदर बढ़ते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर ये ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग है राइट, तो इधर से स्टार्ट हो जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। इधर जो जीपी आता है, इधर जीपी आता है और इधर ग्रॉस लॉस आता है। तो ग्रॉस लॉस को इधर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और इसको यहाँ, ये जो भी है इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखता है। उसका मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इसका, जैसे आपका कोई ट्रेडिंग है और उससे कोई तुम डायरेक्ट एक्सपेंस कमा रहे हो तो तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ही आएगा। ऐसा आइडिया था थोड़ा, तो वो तो तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ही आएगा। ओके वो तो तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ही आएगा। लेकिन जो इनडायरेक्टली कमाया, जो तुम्हारा धंधा नहीं है लेकिन फिर भी तुमने कमाया, कैसे कमा सकते हैं ऐसा? कि इंटरेस्ट है, रेंट है, याद है इंटरेस्ट है रेंट। अभी इंटरेस्ट कमाना का तुम्हारा धंधा नहीं है, उसके लिए तुमने स्टार्ट नहीं किया कोई भी चीज। क्या तुम्हारा धंधा क्या है, एक्चुअल धंधा क्या है तुम्हारा? मतलब गुड्स परचेस लेना, तो उससे जो भी आया वो डायरेक्ट इनकम, वो डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम में जाएगा। उससे कोई भी तुम्हारा ये आता है क्या बोलते हैं उसको, इनकम होता है डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके लिए कोई खर्चा करते हो तो सब ट्रेडिंग में जाएगा। और जो भी इनडायरेक्टली तुम लोग करते हो, जैसे इनडायरेक्ट में बहुत सी चीजें आती है, जैसे तुम्हारे ऑफिस के काम, ऑफिस के वर्क्स, वो सब तुम्हारे इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आएंगे? पीएनएल के अंदर। वेजेस जो है, वेजेस मजदूरी, वो ट्रेडिंग में जाएगा। लेकिन वही सैलरी, अकाउंटेंट को जो सैलरी मिलती है वो जाएगा पीएनएल में। अभी बोलता है पीएनएल का अगर डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड कम है, वो तो पता है डेबिट साइड अपना एक्सपेंस होता है। कभी भी अगर नॉमिनल अकाउंट पकड़े तो डेबिट साइड एक्सपेंस होता है, क्रेडिट साइड इनकम होता है। वो बोलता है कि डेबिट साइड अपना कम है, ए डेबिट साइड ज्यादा है, सॉरी डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड क्या इनकम है, मतलब इनकम ज्यादा है और ये कम है, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे खर्चे कम है, तो क्या होगा? यस राइट, प्रॉफिट आ जाता है। और अगर डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम है, मतलब खर्चे ज्यादा और इनकम कम है, तो क्या होगा? लॉस आ जाएगा। करेक्ट, जो भी आता है प्रॉफिट लॉस वो तुम लोग किधर ट्रांसफर करते हो? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इसको प्रोफॉर्मा एक बार देख के चले जाना, तो तुमको टेंशन नहीं आएगा। हमने ये सॉल्व किए थे सब, ये वाला भी सॉल्व हो गया था। फिर कुछ ट्रांसफर इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो कि इतनी इतनी मजेदार नहीं थी। अगर आप इसमें बादशाह हो गए हो, क्या बोलते हैं उसको, लेजर बनाने, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मैं समझ लो सैलरी का लेजर बना दो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होती है हमेशा, तो इधर बैंक ऐसे डेबिट 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 होते जाएगा राइट। फिर ये कभी भी पीएनएल की चीजें बैलेंस नहीं होती, वो कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, बैलेंस शीट मिल जाती है, तो उसको उसी टाइम पे पीएनएल से डेबिट कर दो, मतलब पीएनएल लिख दो इधर, पीएनएल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस राइट, डेबिट बैलेंस है। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी तो सिर्फ अपने सैलरी का बनाया, जब रेंट एडवर्टाइजमेंट ये सब का बनाएंगे तो बहुत बड़े बड़े लेजर हो जाएंगे। तो ठीक है, ये सब तो समझने वाली बात है। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है अपना, सॉरी जो अपने इनडायरेक्ट इनकम है वो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में डालने के, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकम है राइट, इनकम है वो, तो क्रेडिट में जाएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेगी और बाकी सबको डेबिट कर देगी। ठीक है, ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हो आप, आपको जो लॉजिक चाहिए वो लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। सब ऐसा कहो ऐसा कहो, कोई टेंशन नहीं, सब जगह तुमको सेम आने वाला है आंसर्स। फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट लॉस टू कैपिटल अकाउंट। अभी मेरे को एक चीज बताओ, अगर अगर ये कैपिटल अकाउंट पकड़ा, ओके ये ओपनिंग है, तो ये नेट प्रॉफिट जो बिजनेस कमा रहा है वो किसको मिलना चाहिए? बंदे को ही मिलना चाहिए जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो आपको ये क्रेडिट करना है, तो मतलब पीएनएल क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ये देखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, पीएनएल को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया, कैपिटल इज रिसीवर, जो बंदा है वो मतलब आकाश कैपिटल, तो आकाश इज रिसीवर। ठीक है, वही नेट लॉस है, तो बंदे को देना पड़ेगा खुद की जेब से। ऐसा एक्चुअल में देते नहीं है, बट एज ए लिटरल मीनिंग पकड़े तो उसको देना ही पड़ेगा ना, इन शॉर्ट। तो इधर तुम्हारा ये आ जाएगा,
फिर बोलते हैं बैलेंस शीट पे आ जाता है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ बोलते हैं बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल अकाउंट आता है, रियल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट आता नहीं है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ही ले लिया, ठीक है। अब बोलते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड में आते हैं एसेट्स। लाइबिलिटी में आता है तुम्हारा कैपिटल आता है, जिसके अंदर अपन नेट कैपिटल, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि वो बंदे को ही मिलने वाला है, इन शॉर्ट जो बंदे को मिलने वाला, तो वो चीज़ अपने को ऐड बैक करनी पड़ेगी, वो उसको देना पड़ेगा। ऐड क्यों करते इधर, क्योंकि पहले एक अपना रूल तुमको तो पता ही है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है, ऐसे मान के चलते अपन, ठीक है। ऐसा लिखा नहीं किधर, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बट अपन मान के चलते, ठीक है। तो कैपिटल ओपनिंग क्रेडिट ही होता है, उसमें अपन नेट प्रॉफिट को क्रेडिट मारते, क्योंकि अपना नेट प्रॉफिट है उस बंदे को देना है अपने को वापिस, तो क्रेडिट करते तो ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना इसलिए ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग्स उससे लेना इसलिए लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उससे लेना इसलिए लेस हो जाएगा, नेट लॉस उससे लेना इसलिए लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा मतलब अगर मैं ये कैपिटल अकाउंट पकड़ू, ठीक है, तो ड्रॉइंग्स ये वो अपन इधर लिखते हैं, ये क्या होता है, ये डेबिट होता है, राइट, और ये क्रेडिट होता है। अपन ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब इधर लिखते हैं, ये सब इसलिए ऐड होते जाता है और ये लेस होते जाता है, ठीक है। उससे समझ रहे हो क्या आप, बाकी तो सब सेम है, कोई इसमें ये नहीं है। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके, ये सब ओके टाइप्स है। फिर बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज क्या आती है, तो ट्रेडिंग से क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करना पड़ता है, राइट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा इधर दिखता है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, ये तुम्हारा स्टॉक अकाउंट है, इधर ओपनिंग लिया, इधर परचेज लिया, इधर सेल्स लिया, ये क्लोजिंग आ गया। अभी क्लोजिंग को अपने को इधर भेजना है, किधर भेजना है अपने को क्लोजिंग को, इधर, तो क्लोजिंग को डेबिट करेंगे, राइट, और ट्रेडिंग को क्रेडिट कर देंगे, ओके। तो इससे वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा। एसेट्स ऑन डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स में ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अपने एक फुल फ्लेज चैप्टर कर लिया अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बहुत सही होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपन ने प्रूडेंस करके किए पढ़ा था, पता है फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, कि जो साल का खर्चा है वही साल में आना चाहिए, वो किधर और साल में डिफर नहीं होना चाहिए। तो अभी देखो कैसे होता है ये, अगर मैं एक्सपेंस बोलूँ, ठीक है, अभी एक्सपेंस है 100 रुपये का, ठीक है, और मैंने क्या किया, सर्विस पूरे 100 रुपये की ले ली, मतलब समझ लो मैंने एक ऑफिस रेंट पे लिया था, मैं पूरे 12 महीने रहा, लेकिन मैंने क्या घान कर दिया पता क्या, 11 महीने का रेंट दिया और 10 रुपये जो बचे हुए थे ना मेरे, मतलब 10 रुपये था, वो बोला कि अगले साल मैं दूंगा। तो अभी और मैंने 90 का ही और मैंने 100 का पूरा यूज किया, तो अभी बचा कितना उसके पास, उसको मतलब उसको कितना दे दिया मैंने, 90। तो लोग बाग क्या बोलते हैं कि ये 90 तुम्हारा एक्सपेंस है, नहीं, मैं बोलता हूँ ये 100 तुम्हारा एक्सपेंस है, ये पूरा 100 तुम्हारा एक्सपेंस है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, 90 जो तुमने दिया है प्लस आउटस्टैंडिंग जो बचा है वो 10 इधर आ जाएगा, राइट, तो इससे हो जाएगा तुम्हारा 100, तो ये तुम्हारा आएगा। अभी अभी मैं वही चीज बोलता हूँ कि 101 प्रणव आ गया, अभी वही मैं बोलता हूँ कि इधर 100 रुपया देना है, ओके, और मैंने दे दिया 110, भाई चलेगा क्या, चलेगा तो सब कुछ, लेकिन मैं फिर एक्सपेंसेस में क्या लूँ, मेरे एक्सपेंसेस में क्या लूँ, 110 ले लूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर अगले साल क्या लूँ, अगले साल का 10 रुपये मैं अभी ले लूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, अकाउंटेंसी के रूल्स गुस्सा कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है, ओके, अकाउंटेंसी के रूल्स तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर देंगे। तो अब क्या करें, अभी लिखेंगे अपन 110 लिखेंगे और माइनस क्रेडिट बैलेंस निकाल देंगे, मतलब प्रीपेड जो जितना भी था ना उतना निकाल देंगे, तो ये साल में आपने कितना कमाया, 100 रुपया। अब ये जो प्रीपेड है ये माइनस 10 रुपीज, ये अपने को कहीं ना किसी से लेने हैं, या तो सर्विस लेनी है, बराबर है। अभी समझ लो आप सर्विस, मैंने आपको बोला कि मैं मस्त आपकी चंपी करके दूंगा और आपने बोला खुश हो गए एकदम, और आपने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, 50 रुपये की ये साल करके दो, 50 रुपये की अगले साल करके दो, लेकिन 100 रुपये अभी रख लो, अभी अगले साल से मतलब मैं, ठीक है, तुम्हारी चंपी कौन करके देगा, कोई नहीं, तुम्हारा पैसा कौन देगा, मैं देगा, भले मैं निकल गया लेकिन कुछ तो मेरे पीछे हो गए ना, वो लोग देंगे कि नहीं तुमको, भले चंपी नहीं दे सकते, पैसा तो दे सकते तुमको,
तो वो तुम्हारा एसेट है, तुमको मेरे साइड से लेना है, क्योंकि मेरे साइड से अगर सर्विस ले लोगे तो खत्म, मेरे साइड से सर्विस ले लोगे तो खत्म, बट अगर पैसा बचा है तो पैसा लेना है आउटस्टैंडिंग में से। मतलब तुमने मेरे को कुछ बोला और मैंने तुमको 100 रुपया दे के रखा था, 50 रुपये का अभी दे दिया, 50 रुपये का आगे दोगे, और तुम लोग चले गए हायर एजुकेशन के लिए मुंबई पुणे, ठीक है, तो मेरे को कौन देगा, तुम्हारे घर वाले देंगे मेरे को, चंपी से नहीं दे सकते, पैसा तो दे सकते हैं ना एटलीस्ट, समझा, तो इसलिए वो मेरा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग होगा, तुम्हारे लिए लाइबिलिटी होगा, और वही प्रिपेयर तुम्हारे लिए एसेट हो जाएगा। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, हो गया अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम जो आने वाली है, तो आने वाली है तो वो क्या है तुम्हारा, पता, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो डेबिट में चले जाता है, एसेट्स में चले जाते, क्योंकि वो आने वाली है इनकम, अक्रूड एडवांस, इनकम टू इनकम रिसीव्ड एडवांस, इनकम को डेबिट मार देते अपन, इसमें आधा ही एंट्री मारा है रे, अच्छा रिसीव्ड इन करंट ईयर है ना, हाँ इनकम में से माइनस कर देते, राइट, इनकम में से माइनस कर देते, क्योंकि अगले साल का अपने को ये साल मिल गया, लेकिन ये साल का इनकम फिर डिफरे हो जाएगा, ये साल अगर आप 100 रुपये कमा रहे तो 110 दिखेगा जो कि गलत है, तो 10 रुपये निकाल दो उसके अंदर से, ठीक है, इतना ही बोल रहा है वो, तो कैसे करेंगे, इनकम को डेबिट मार के क्रेडिट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कर देंगे। अभी इनकम रिसीव्ड एडवांस क्या, तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई, क्यों, वो भी मैं समझाता हूँ, मुझे 50 रुपये मिल गया, अगर मैं उसको कल उठ के मैं अगर ये ना दे पाऊँ, सर्विस ना दे पाऊँ, तो मेरे को वापस देना पड़ेगा, बराबर है, ठीक है, इतना इतना डीप में नहीं है, सिर्फ याद रखो, ठीक है। फिर बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है, बैड डेट्स टू सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट्स मतलब जो लोग तुम्हारा पैसा डुबा के चले गए, तो अभी सन्ड्री डेटर्स में तुमको ऐसे मतलब 50,000 किसी के पास से लेने थे, 5-6 लोग थे उनके, सबको मिला के 50,000 लेने के थे तुमको उनके पास से। अब होता क्या है कि उसमें से 5,000 डूबा के निकल जाते हैं, तो अभी अगर वापस से आप एसेट्स में दिखाते हो 50,000 तो गलत हो जाएगा, मानते हो ये बात, लोग समझेंगे कि आपके पास 50,000 रुपये लेने के, लेकिन एक्चुअल में कितने लेने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 45,000, तो एसेट्स में से माइनस कर देंगे इसको, डेटर्स में से, रिजर्व और प्रोविजन क्या होता है कि आपको पता है कि ये डुबाएगा नहीं, लेकिन यार थोड़ा थोड़ा लग रहा है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप लोग क्या करते हो, एक लाइबिलिटी में रिजर्व फॉर प्रोविजन कर देते हो उसको, भले उसके अंदर से निकालते नहीं हुए डेटर्स के अंदर से, लेकिन पीएनएल में खर्चा बुक कर देते हो, और मतलब अगले साल नहीं हुआ आरडीडी, उसने पूरा पैसा दे दिया तो उसको रिवाइज कर देते हो, रिवर्स कैसे करते हो, तो अपन मास्टर हो गए सिंगल एंट्री के बाद, तो ठीक है कैसे करते हैं इसको, सिंगल एंट्री हमने पहले पढ़ा था इसलिए मैं सिंगल एंट्री बोल रहा हूँ, तुम लोग आगे चल के मास्टर हो जाओगे इसके अंदर। रिवर्स एंट्री कैसे हो जाएगी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल टू पीएनएल हो जाएगा, फिर पीएनएल के इनकम साइड में तुमको दिख जाएगा ये, फिर वही है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है कि अपने को कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो तुम्हारा क्या हो गया, खर्चा ही हो गया ना एक शॉट, तो पीएनएल डेबिट हो जाता है और क्रेडिट अपन इसको कर देते, ये पता नहीं अपने को कि देना ही है जक मारा के, मतलब देना ही है उसको, वो पता नहीं अपने को 110% देना ही है, बट लग रहा है कि मांग सकता है वो डिस्काउंट, तो अपने को देना है, इसके लिए अपन ने वो डिस्काउंट का एक अलग से प्रोविजन बना के रखते हैं। प्रोविजन मतलब क्या भाई, अपन नहीं बनाते बहुत सी बार प्रोविजन, प्रोविजन नहीं बनाते अपन, कि समझ लो कोई कुछ आप मार्केट में कोई सब्जी उब्जी लाने गए और पेरेंट्स आपको 10 या 15 रुपये ही देते, 100 रुपये देते, लेकिन आप बोल रहे 120 दे दो भाई, कुछ कम ज्यादा हुआ तो मेरे को वापिस आना पड़ेगा, तो वही वो वापिस आने के कंट्रोल की वजह से प्रोविजन बना के रखते हैं अपन, तो ये लोग भी प्रोविजन बना के रखते हैं, पता चला ओरिजिनल एंट्री को पूरा स्क्रैप करके नई एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसके अच्छा प्रोविजन बनाई हुई रही तो टेंशन नहीं, समझा प्रणव। देख वेन जब सिर्फ बैड डेट्स दिए रहे हो ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ डेबिट करना है पीएनएल को, दो इफेक्ट नहीं देने, ठीक है, आरडीडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो आरडीडी ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी दिया रहता है, ठीक है, वो उसको उसका मतलब ओल्ड आरडीडी है, और अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया है तो वो मतलब नया आरडीडी है, ठीक है, तो ओल्ड लिखते हैं उसके अंदर नया ऐड कर देते हैं। अभी ये अपन ने बहुत बार पढ़ा है तो वो एक बार बताता हूँ, तो अगर गुड्स अगर विड्रॉ किए तो कभी भी ट्रेडिंग परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या होता है, सेल्स अकाउंट को क्यों नहीं कर सकते, सेल्स अकाउंट कभी भी अलग अमाउंट पे होता है, परचेस में 100 में कर दो तो सेल्स कितने में करूंगा मैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 110 120 में करूंगा, तो अगर ड्रॉइंग्स को उस अपर कभी भी कोई गुड्स पे विड्रॉन करता हो तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा ना,
या ऐसा थोड़ी कि समझोगा कि इसको मैंने सेल्स कर दिया, इसलिए अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग परचेस को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। फिर प्रोपराइटर्स कैपिटल टू ड्राइंग, ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल सेम एंट्री, लेकिन उसको फिर एडवर्टाइजमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, कैपिटल का अकाउंट बनाया था अपन ने, याद है इंटरेस्ट इधर लिखा था, तो कैपिटल को क्रेडिट करना है, ये अपना खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए उधर चल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बाद में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन क्रेडिट मार के पीएनएल में अपन उसका खर्चा दिखा देते, मतलब दो अकाउंट बनते, राइट, समझ रहे हो ना। ये कैपिटल में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इधर डेबिट में कैपिटल आ जाएगा, फिर इसको अपन ये करके पीएनएल में डालते हैं, और पीएनएल में फिर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उल्टा उल्टा इफेक्ट, ये होमवर्क बोला था, होमवर्क ही करके आना है, ठीक है। अभी तो एग्जाम में भी क्या करोगे तुम लोग होमवर्क, अभी यहाँ से सब शायद वही थे अपने, कोई कंसेप्ट होगा तो देख लेता हूँ। ठीक है, ये तो मेरे को वही लग रहा है सब। सी भाई मोटा मोटी तुमको पता देता हूँ मैं चीजें। सबसे पहली ड्रॉइंग्स का, अगर कोई मंथ नहीं दिया तो 6 महीने का ही कैलकुलेट करते हैं, वो मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। इसके अंदर भी वैसे होता है, सिंगल एंट्री में तो वैसे ही करते हैं, ठीक है। सेकंड, डेप्रिसिएशन का अगर मंथ नहीं दिया, पूरे साल के लिए करो, मंथ का दिया है तो मंथ के हिसाब से करो। इसमें 3-4 एडजस्टमेंट होती है, एक प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इनकी एडजस्टमेंट होती है, बाकी तो पूरा क्लियर क्लियर कट रहता है, तुमको सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना रहता है, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो आप अच्छा करोगे एग्जाम में, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक।